बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आई एम योर फेलो ट्रेडर यूब्राना एंड यू आर वाचिंग योर ओन चैनल ट्रेड ट्रैक। अच्छा जी, गोल्ड और DXY में स्ट्रक्चरल हवाले से कुछ अपडेट्स हैं वो आपको देनी थी। लेवल्स वही हैं जो डेली की वीडियोस में बताई गई थी, लेकिन ये एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक वीडियो है। इसमें आपको स्ट्रक्चर भी समझाया जाएगा गोल्ड का और डॉलर इंडेक्स का, और साथ साथ आपको लेवल्स भी बताए जाएंगे कि इन द लॉन्गर रन इसमें क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी सी हम फंडामेंटल डिस्कशन करते हैं। जो फेड के मिनट्स आए हैं, मीटिंग मिनट्स है उसमें आए हैं, उसमें कुछ मेंबर्स कह रहे हैं कि रेट हाइक होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, यानी कि अभी कोई कह लें क्लैरिटी नहीं है रेट हाइक की तरफ से। और CPI का डाटा जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, लेकिन उनके पास अभी सिर्फ एक इंटरेस्ट रेट हाइक का रूम है, यानी कि एक बार वो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट हाइक अगर होना है तो हो सकता है 2023 में, और 2024 में शायद रेट को वो हायर रखें, यानी कि पॉज करें। और ये आप कट्स की तरफ जाते हैं तो वो तो फिर नेगेटिव चीज़ होगी, कट्स शायद हों, थोड़े बहुत हों 2024 में, बट डेटा बताएगा कि क्या डिसीजन लेते हैं। अभी अगर आप किसी भी वेबसाइट पे फेड रेट वॉच टूल पे जाएं, रेट मॉनिटरिंग टूल पे, तो जो रेट हाइक्स की परसेंटेज है वो 8 to 9% आ चुकी है, यानी कि रेट हाइक्स का भी कोई इतना खैर कह लें कि ज़्यादा माना नहीं जा रहा कि रेट हाइक होगा। तो ये चीज़ें भी पॉजिटिव है। और अगर इन चीज़ों को हम स्ट्रक्चर से जोड़ें तो स्ट्रक्चर हमें कुछ और भी बताता है इसके साथ, तो स्ट्रक्चर हमें काफ़ी चीज़ें कन्फर्म करता है। तो लेट्स गेट बैक टू द चार्ट्स, मैं आपको स्ट्रक्चर समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 घंटे का चार्ट देखेंगे डॉलर इंडेक्स का। यहाँ पे देखें तो लास्ट ऑलमोस्ट वीक से मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो इसका स्ट्रक्चर लो है, अगर ये ब्रेक होता है यहाँ पे डॉलर इंडेक्स का, तो डॉलर इंडेक्स का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, यानी कि चौक हो जाएगा। यहाँ पे ये चौक कर चुका है, अब क्या है, अब इसने यहाँ से डाउन जाना है? नहीं, डायरेक्ट ये डाउन नहीं जाएगा, इसने रिट्रेसमेंट लेनी है। और जो मैंने इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क किया हुआ है वो है जी आपके पास 107 के आसपास। क्यों? यहाँ पे एक तो ये 4 घंटे का भी ऑर्डर ब्लॉक है, और अगर इसको हम 2 घंटे में देखें तो क्लियरली यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। मुझे ये ड्राइंग रिमूव करने दें, मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक दिखाता हूँ जिसकी बेस पे मैं कह रहा हूँ। हाँ जी, ये देखें, प्रॉपर एक ऑर्डर ब्लॉक है, कैंडल का हाई भी ग्रैब हुआ, लो के नीचे क्लोजिंग आई, तो ये एक इसका एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ से अगेन इसमें एक अच्छी बेरिश मूव देखने को मिल सकती है, यानी कि अगर किसी डेटा की मूव पे डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता भी है तो अभी आप इसको बुलिश नहीं देखेंगे। अब इसका जो स्ट्रक्चरल हाई है वो है जी आपके पास 107.34 पे, और स्ट्रक्चर लो अभी इसने बनाना है। लो बनाने के लिए पुल बैक लेगा, इंड्यूसमेंट्स क्लियर करेगा, ये सब तमाम जो है ये इंड्यूसमेंट्स हैं, ये इन सबको क्लियर करके ऊपर जाके लो, नया लो बना सकता है, फिर सॉरी नया हाई बना सकता है, उसके बाद नीचे आएगा तो नया लो बनेगा। तो डॉलर इंडेक्स हमें बेरिश बता रहे हैं। अभी यील्ड्स को देखिए, यील्ड्स अभी पॉजिटिव है, यील्ड्स का जो 4 घंटे की क्लोजिंग है 4.5 के नीचे आएगी तो ही नेगेटिव होंगी। अच्छा, गोल्ड में क्या है, गोल्ड के 4 घंटे के चार्ट को देखें तो 1875 से 80 का लेवल जो ये था, सॉरी 7075 से 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक था। बहुत से लोग यहाँ पे सेल करना चाह रहे थे, यही मैं आपको कहता हूँ कि लेवल्स पे जुआ नहीं लगाना। ट्रेडिंग ये नहीं है कि लेवल आपने मार्क कर लिया अब वो आपका लेवल 100% है, कभी भी नहीं। आपका कोई भी लेवल मार्केट में 100% नहीं होता, आपका कोई भी एनालिसिस मार्केट में 100% नहीं होता, इसलिए आपको कन्फर्मेशन लाजमी होती है। कल लाइव स्ट्रीम में हम बैठे थे, लोग यहाँ से सेल करना चाह रहे थे, और वैसे भी शायद सेलिंग की हाई पाई हुई थी मार्केट में। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे देख कर स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे नहीं बता रहा था। अभी भी सुबह के एनालिसिस मैंने आपको बताया कि अगर 1867.7 ये जो लो है इसके नीचे कोई क्लोजिंग आती है 5 मिनट 15 मिनट की तो फिर सेल देखेगा, अदरवाइज सेल मत देखेगा। तो खैर, सेल के हक में अभी भी मैं नहीं हूँ। मैं जो आपको चीज़ समझाने जा रहा हूँ वो ये है कि 4 घंटे की क्लोजिंग अभी आनी है, 2 बजे क्लोजिंग है, आधे घंटे बाद क्लोजिंग है 4 घंटे की। 4 घंटे की कैंडल अगर 1880 से क्लोजिंग अबव होती है तो फिर तो गोल्ड में वैसे भी एक बुलिश नहीं होगा, बट 1 घंटे के चार्ट को अगर देखें तो 1 घंटे के चार्ट में मेजर स्ट्रक्चर का यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का चौक हो चुका है। मैं शुरू से आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा 1 घंटे का। ये 1947 का लास्ट टाइम इसने टॉप लगाया, ठीक है जी। अभी स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, 1947 का ये टॉप है, यहाँ पे इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, यहाँ पे इसने लो बनाया, ये न्यू हाई बना। अब न्यू हाई बनने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ पे, लेकिन उसके बाद कोई हाई नहीं बना, मार्केट लो बनाती गई, लो शिफ्ट होता गया, लो बनता गया। अब यहाँ पे आके क्या किया है मार्केट ने, यहाँ पे आके मार्केट ने ये दोबारा पे यहाँ अपना लो डेवलप किया। लो डेवलप करने के बाद यहाँ पे ये H1 में इनकी इंड्यूसमेंट्स के लिए भी वो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो ये हाई यहाँ पे आ गया और लो यहाँ पे आ गया। उसके बाद मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट क्लियर किया, अगेन मार्केट ने न्यू हाई यहाँ पे बनाया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और आपका लो जो है नीचे चला गया, नीचे जाता गया, नीचे जाता गया, लो तो जाता गया लेकिन हाई नहीं आया। हाई क्यों नहीं आया? आप बाज लोग कह रहे थे कि जब गोल्ड ने यहाँ पे H1 की क्लोजिंग ऊपर दी तो मैंने आपको समझाया था 15 मिनट का चौक हुआ है, H1 का चौक नहीं हुआ। H1 का चौक क्यों नहीं हुआ था? जब ये हाई बना तो क्या इसने जाके प्रीवियस लो को ब्रेक किया? नहीं, ये प्रीवियस लो था, ये रेड कलर की लाइन, तो इसके नीचे क्लोजिंग आई है, बिल्कुल एग्जैक्टली इस लाइन पे क्लोजिंग आई है, इसके ऊपर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई।
तो हाउ इट कैन बी अ चॉक, जब ये हाई ही नहीं बना, हाई तब बनता है जब वो जाके नीचे मार्केट के स्ट्रक्चर को ब्रेक करे, ये हाई होता यहाँ पे क्लोजिंग आती तो यहाँ पे लो बनता, इस तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर बनता, लेकिन चौक यहाँ पे नहीं होता। अब चौक कहाँ पे हुआ है, ऊपर जो मैंने आपको लेवल बताए हैं वहाँ पे चौक हो चुका है H1 में, यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो था मार्केट का वो चेंज हो चुका है। ये देखें जी, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था मार्केट का, यहाँ पे ये हाई था, अब इस हाई के ऊपर यानी कि 1880.5 के ऊपर H1 क्लोजिंग दे चुका है, तो चौक हो चुका है। अब ये जो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का लो यहाँ पे है और हाई यहाँ पे है। अब विद इन दिस लेग ये जो है ये है इंटरनल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर का चौक हो भी जाता है तो कोई मसला नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि गोल्ड रिट्रेसमेंट लेने जा रहा है। इंटरनल स्ट्रक्चर का चौक कहाँ पे होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर का चौक होगा 1853 पे, 1853 का यहाँ पे लो लगा, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, आफ्टर दैट ये एक पुल बैक सा आया और यहाँ पे आप देखें तो चौक हुआ। तो यहाँ तक अगर ये रिट्रेसमेंट लेते हैं तो यहाँ से इंटरनल स्ट्रक्चर के मुताबिक भी बाय बनेगी 1855 कह लेंगे 54 इन लेवल से, इंटरनल स्ट्रक्चर के मुताबिक भी बाय ही बनेगी। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर जो है 1853 के नीचे क्लोजिंग देता है तो कहेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर का चौक हुआ है, यहाँ से सेल करें, बट इट विल गिव यू एन एक्सीलेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी आपकी कहाँ से बन सकती है, फ्रॉम 1825, फ्रॉम 1830 अनटिल एंड अनलेस ये प्रीवियस लो अपना ब्रेक कर दे 1810 का, तो फिर ये सेल में जाएगा। अब जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो बाय में जा चुका है, अगर ये नीचे आता भी है CPI के डाटा पे या कह लें कि FOMC पे नीचे आता भी है तो आई थिंक इट विल गिव एन अपर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी और ये भी आपका 1900-1920 की तरफ जा सकता है। एंड एट द ईयर एंड मैं इसको ऑलमोस्ट 1900 क्रॉस करता हुआ देख रहा हूँ दिसंबर के आसपास, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझानी थी कि जो स्ट्रक्चर है मेजर स्ट्रक्चर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वो चौक कर चुका है, ये जो है ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। इंटरनल स्ट्रक्चर अगर चौक करता भी है तो ये जस्ट ही आपको इंडिकेट करेगा कि मार्केट जो है जस्ट अभी एक पुल बैक लेने जा रही है, रिट्रेसमेंट लेने जा रही है और मार्केट बाय में है। अब बाय आपको मिल सकती है 1832 से 1828 से, क्योंकि ये इसके एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बने हैं। एक प्रॉपर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हम 2 घंटे के चार्ट में भी देख लेते हैं, 2 या 3 घंटे के चार्ट में कहीं पर मिलता है, तो 4 घंटे के चार्ट में प्रॉपर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है इसका। अगर ये आता है 1830 ये लेवल्स हैं अच्छे, इन लेवल्स पे आपका एक प्रॉपर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। जैसे डॉलर इंडेक्स में हम रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट करें, इसमें भी रिट्रेसमेंट आ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि नीचे नहीं आएगा, नीचे आएगा रिट्रेसमेंट लेने आएगा, बट मेजर स्ट्रक्चर बुलिश हो चुका है, मार्केट जो है बाय में रहेगी विद एट दिस ईयर एंड। आप गोल्ड को 1900 से ऊपर की तरफ देख सकते हैं। उम्मीद आपको स्ट्रक्चर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी किया करें और कमेंट भी किया करें यार, कमेंट्स में कंजूसी करते हैं और वीडियो को शेयर भी किया करें। एंड आफ्टर ऑल थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग एंड लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।